अभी तो ये जस्ट दो जगह से स्ट्रेच हुआ है, जब मुकम्मल स्ट्रेच होगा तो क्या खूबसूरत लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, वी आर कार फार्मर्स प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट क्वालिटी फूसी सर्विसेज एट योर डोरस्टेप। तो गाइस, हम लोग खारियां कैंट में मौजूद हैं और एक टेंसाइल शेड पे वर्किंग कर रहे हैं। इस घर में चार गाड़ियां हैं, दो गाड़ियां तो अंडर गैरेज ये खड़ी हो जाती हैं। दो गाड़ियों को सेव करने के लिए इस एरिया में हम लोग टेंसाइल शेड लगा रहे हैं, तो इसके ऊपर वर्किंग चल रही है। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, लास्ट में आपको बताएंगे कि इसकी टेंसाइल शेड की लाइफ कितनी होती है और इस पर तकरीबन कितना ख़र्चा आ जाता है। तो वर्किंग होती जाएगी, आपको इंशाल्लाह आप दिखाते जाएंगे। ये इसके जो एंगल की जो बेस होती है वो तैयार हो गई हुई है। ये तीन बेसिस इसकी वहाँ पर सामने इसके जो फ्रंट एलिवेशन है उसके ऊपर लगेंगी। अभी मार्किंग करके ड्रिलिंग हो रही है और एंकर बोल्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो जैसे ये जो बेसिस हैं ये लग जाती हैं, फिर आपको एक व्यू देते हैं। तो इसकी बेसिस लग चुकी हुई हैं और साथ साथ वेल्डिंग का काम हो रहा है और साथ साथ इसकी जो वेल्डिंग की ग्राइंडिंग है वो हो रही है। अभी इसके ऊपर ये जब बेस इसकी कंप्लीट हो जाती है फिर इसके ऊपर कपड़ा लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये शेड कंप्लीट हो गया भाई, ये पेंट चल रहा है इस टाइम और हम लोग छत पे आए हैं इस जो टेंसाइल का फैब्रिक होता है इसको जोड़ लगाने के लिए। तो अभी आपको दिखाते हैं कि इसका जोड़ कैसे लगता है, तो उसके बाद फिर हम इस टेंसाइल के फैब्रिक को ये फ्रेम के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। तो कपड़े को बैलेंस कर लिया था, अब इसका ये जोड़ लग रहा है, ये हीट गन के साथ जोड़ लगता है, साथ में इसको रूल के साथ जो है बिल्कुल एक साथ पेस्ट कर देते हैं। ये इसको जोड़ लग गया हुआ है, साइज इसका डेवलप हो गया हुआ है। अब ये फ्रंट पे जो वायर डालते हैं उसकी ये शेप बनाई जा रही है, इसकी मार्किंग हो रही है। मार्किंग हो गई थी, मार्किंग के बाद इसमें वायर जो है वो पिरोने वाला सिस्टम शुरू हुआ है और वायर का इस टाइम नेफा बन रहा है। तो जोड़ लग गया है, तारें पिरो दी गई हैं, अब इस कपड़े को हम फ्रेम के ऊपर लगा कर आपको दिखाते हैं कि कैसा नज़र आता है। तो जी, ये फ्रेम बन के रेडी हो गया हुआ और इसके ऊपर पेंट कंप्लीट हो गया। हल्की फुल्की सी टचिंग होगी, जब कपड़ा लगाएंगे तो पेंट जगह जगह से डैमेज होता है, फिर उसकी टचिंग एंड में करेंगे। ये इसके एंकर बोल्ट लगाए हैं यहाँ पर, एक साइड से यहाँ से फिक्स किया है किधर और एक इधर। फ्रेम हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है, कपड़ा भी हमने कंप्लीट कर लिया है, इसकी स्टिचिंग हो गई है, बस इसको हमने ऊपर रख के और इसकी फिक्सिंग करनी है।
फिक्सिंग का प्रोसेस भी इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको। तो ये टेंसाइल को शर्ट के ऊपर चढ़ाने का प्रोसेस शुरू हो गया। अब ये आपको साथ साथ दिखाते हैं कि ये कैसे तो ये एक साइड से चैनल इसका इंस्टॉल कर दिया था हम लोगों ने, और अब ये दूसरी साइड से इसके चैनल को इंसर्ट कर रहे हैं। वायर इसके अंदर जा रही है, तो ये वायर इसके अंदर डाल के चैनल के अंदर, और फिर इस चैनल को एक साइड से फिक्स कर दिया जाएगा ताकि जो वायर है वो आगे पीछे मूव ना कर सके। तो अभी हैमर की मदद से इसको हम फिक्स करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं चैनल इसके अंदर जा चुका हुआ है, आप ये हैमर से इसको फिक्स कर देंगे। तो ये तरीका होता है जी चैनल को हैमर के साथ प्रेस करने का, और ताकि ये वायर और जो टेंसाइल है ये इसके अंदर फिक्स हो जाए और आगे पीछे मूव ना कर सके। तो ये चैनल को टेंसाइल के साथ फिक्स करने के बाद अब स्क्रू के साथ इसकी इंस्टॉलेशन जारी है। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको लगाया जा रहा है। तो ये तरीका होता है टेंसाइल को शर्ट के ऊपर स्ट्रेच करने का, इसको साथ साथ स्ट्रेच करते जाते हैं, साथ साथ इसके ऊपर स्क्रू लगाते जाते हैं, और इसके सारे रिंकल्स जो हैं वो पीछे की तरफ ले जाते हैं, फिर पीछे इसकी वाटरप्रूफिंग होती है। तो जी ये साइडों से इसकी ग्रिपिंग होगी भी है कंप्लीट, दोनों साइड से राइट और लेफ्ट। अब ये इसके ऊपर स्ट्रिप्स लगेंगी जितने पाइप लगे हुए, और इस साइड से इसकी वाटरप्रूफिंग हो जाएगी ताकि जो पानी है बारिश का वो ये इनके फ्रंट एलिवेशन और टेंसाइल शर्ट के दरमियान से नीचे ना आ सके। दो साइडों से ये लग चुका था, अब ये इसकी तीसरी साइड लग रही है, और आप देख सकते हैं वहाँ पर आपको शायद हल्का फुल्का कैमरे में भी नज़र आ जाए रिंकल, लेकिन यहाँ सब कुछ क्लियर हो गया, जो हल्के फुल्के रिंकल्स थे वो सारे निकल चुके हैं। ये वाला एरिया कंप्लीट हो गया, और ये बस रह गया जो इतना एरिया है, ये सारा जो है टाइटनेस का उसको कंप्लीट किया जाए। तो जी शर्ट का काम कंप्लीट हो गया है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा इसकी लाइफ कितनी होती है तकरीबन, और इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आती है। तो चारों साइडों से मैं आपको ये शेड एक दफ़ा इसका व्यू दे देता हूँ, और साथ में आपको बताता हूँ इसकी लाइफ। जनाब हमारा एक्सपीरियंस तकरीबन कोई 17 साल का है, 17 साल पहले पहली दफ़ा शेड लगाया था, तो वो अभी तक लगा हुआ है। तो अगर इसमें ब्लॉक आउट का फैब्रिक यूज़ कर लिया जाए और 12 गेज का लोहा यूज़ कर लिया जाए तो 17 साल का एक्सपीरियंस तो है कि अभी तक वो शेड ख़राब नहीं। प्लस ये इसकी जो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट की रेंज स्टार्ट होती है तकरीबन 550 से लेके 550 रुपये पर स्क्वायर फिट से लेके 1000 रुपये पर स्क्वायर फिट तक। मतलब अगर आप हर चीज़ बहुत फाइन क्वालिटी के लगवा रहे हैं, मतलब अगर 12 गेज का लोहा आप यूज़ कर रहे हैं और ब्लॉक आउट वाला फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं जो तकरीबन 700-750 ग्रामेज का होता है, तो इसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन कोई 1000 रुपये स्क्वायर फुट तक जाती है। और जैसे जैसे आप मटेरियल हल्का करते जाते हैं वैसे वैसे इसकी कॉस्ट नीचे आती जाती है। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके लिए बनाऊँगा जो ग्राउंड से फाउंडेशन बना के और फिर ये शेड लगाया जाता है, तो उसकी भी आपको कॉस्टिंग और ये सारी उसकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब कुछ आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और किसी किस्म का कोई शेड बनवाना हो व्हाट्सएप पे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे आप क्लिक करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपना जो भी एरिया जहां आपने शेड लगवाना है
उसकी फ़ोटो और एरिया हमें मेंशन करके भेजें तो हम आपको उसकी कॉस्ट की जो रेंज है वो इंशाल्लाह निकाल के बता देंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।